स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल ऑल इन वन टीटी में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ, अपर मुख्य सचिव के द्वारा निर्देश जारी किया गया है, सभी शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं संबंधित सूचना को। उससे पहले जो इस चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिए, ताकि शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई कोई भी बड़ी छोटी अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं इस नए निर्देश के विषय में। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मिशन दक्ष को लेकर निर्देश जारी है। अपर मुख्य सचिव के निर्देश पर जिला शिक्षा पदाधिकारी समर बहादुर सिंह ने निरीक्षण को लेकर नया फॉर्मेट जारी करते हुए ग्रीष्म अवकाश से संबंधित जानकारी जिला के स्कूल प्रधानों से साझा किया है। मालूम हो कि अपर मुख्य सचिव के निर्देश पर जारी सूचना के अनुसार 15 अप्रैल से 15 मई तक ग्रीष्म अवकाश की घोषणा की गई, जिसमें भी विद्यालय खुले हैं और सभी शिक्षक शिक्षिकाएं विद्यालय में उपस्थित होकर सुबह 8 बजे से 10 बजे तक कक्षा 5 एवं 8 की वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण बच्चों को तथा मिशन दक्ष में चिन्हित पूर्व से छात्र छात्राओं को पढ़ा रहे हैं। जिला शिक्षा अधिकारी समर बहादुर सिंह की ओर से जारी फॉर्मेट में इस बार कुछ नई जानकारियां भी मांगी जा रही है। कक्षा 5 से 8 में वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण बच्चों की जानकारी भी संख्या बार मांगी जा रही है। वहीं मिशन दक्ष की जानकारी भी फॉर्मेट में मुख्य रूप से अंकित की गई है, जो विभाग को देना वांछनीय है। जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से यह भी निर्देशित किया गया है कि वार्षिक परीक्षा के परीक्षा फल में डी और ई ग्रेड प्राप्त करने वाले बच्चों को भी मिशन दक्ष की कक्षाओं में शामिल किया जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।